जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने बहुत सुंदर आपको ये ड्रेस 8 नंबर के ठाकुर जी की बनाना सिखाया था और ड्रेस आपको बहुत पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसकी पगड़ी और पटका बनाने का हमने आपसे वायदा किया था, तो चलिए पगड़ी बनाते हैं इसकी। तो 8 नंबर के ठाकुर जी की हमें पगड़ी बनानी है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नई मेहमान है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो देखिए, 8 नंबर की ठाकुर जी की पगड़ी बनाने के लिए 2.25 इंची चौड़ाई में और 8 इंची लंबाई में मैंने ये सूट की कट की है। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ये बीच का इसका कर्व कट करेंगे। हल्का सा हमें 1/4 इंची के लिए पीछे की तरफ भी गोलाई देनी होती है और 1/2 इंची के करीब आगे की तरफ, और करने के बाद इसे हम कपड़े के साथ रैप कर लेंगे। कपड़े के साथ देखिए रैप कैसे करेंगे, सेंटर में कट लगाएंगे और छोटी छोटी कट इधर लगा लेंगे और यहाँ पर ग्लू लगा करके हॉट ग्लू, और इसको इस तरीके से हमें रैप कर देना है। इसके साथ चिपका देंगे हम और यहाँ से भी चिपका देंगे। तो इतना काम करते हैं पहले। अब इसे थोड़ा कस के खींच करके यहाँ से भी इसे रैप कर देंगे। अब रोल करके इसे आपस में चिपका देंगे। गोला बना लिया। अब देखिए, ये हमने इतना इसे रोल कर लिया। इसके बाद में अब क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से कार्डबोर्ड पर रखेंगे और पेन से ये सर्किल बना लेंगे। इसके नाप का सर्किल बनाने के बाद में सर्किल को हम कट कर लेंगे और जिस कपड़े से हमने इसे रैप किया है उसी कपड़े से इसको भी रैप कर लेंगे, सर्किल को भी। अब ये देखिए, सर्किल जो हमने इसको रैप किया है, इस सर्किल को ग्लू से इसको इसके साथ में चिपका देंगे। ये देखिए, बेस हमारा बन गया है। अब इसको हमें रैप करना है पगड़ी को। वो कैसे करेंगे, यहाँ से हम ग्लू लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से ग्लू लगा करके इस तरीके से यहाँ से इसे चिपकाते हुए लेकर आएंगे। आसानी से ये चिपक जाती हैं। चलिए, बैक साइड से चिपका करके सीधे हम ऊपर की तरफ ले आएंगे और फिर इसको धीरे धीरे कवर करते हुए फिर पीछे से सेंटर में जाएंगे, फिर वापस से सेंटर में ऊपर आएंगे। एक साइड हमें ऊपर जाना है, एक साइड नीचे आना है। इस तरीके से क्रॉस करते हुए फ्रंट से हमें क्रॉस करना है। इसे पूरी पगड़ी को हम कवर करेंगे। हमारी एक पट्टी यहाँ पे खत्म हो गई है, इसे यहीं पे कट कर देंगे। जॉइंट लगाना है वो हम यहीं पीछे से लगाएंगे। देखिए, आगे से हमने बिल्कुल पूरा कवर कर दिया और ये ऊपर से भी अब हमारा 1-2 राउंड में पूरा कवर हो जाएगा।
ये देखिए पूरी पगड़ी हमारी फिल होगी जो कि बहुत ही प्यारी बनी है। अब इसका डेकोरेशन करेंगे। सबसे पहले हमने देखिए कलगी तीन बनानी है, तो इसके लिए एक में हमने 2.5 इंची चौड़ी और लगभग 10 इंची लंबी पट्टी कट की है, एक में हमने 2 इंची चौड़ी और लगभग 15 इंची लंबी पट्टी कट की है, और एक हमने ये नेट की कलगी बनानी है येलो कलर की। तो ये हमने 4 इंची चौड़ी और 25 इंची लंबी पट्टी कट की है, और इसको हमने डबल करके यहाँ सिलाई लगा ली। तो अब इन तीनों कलगियों को हम बना लेते हैं। कलगी हमने देखिए इससे पहले के वीडियो में भी बताया था आपको बनाना किस तरीके से बनानी होती है। इस तरीके से हमें प्लेट्स इकट्ठी करनी होती है एक ही जगह पर इकट्ठी करने के बाद में धागे से इधर नीचे की तरफ सारी प्लेटों को एक साथ सिल देंगे, टांका लगा देंगे। उसका डेकोरेशन करेंगे। सबसे पहले हमें स्टोन चेन लगानी है, तो स्टोन चेन देखिए यहाँ पे 2 से 3 बार स्टोन चेन हम लगा लेंगे। अब ये कलगी बनाई है, ये कलगी लगाएंगे। देखिए एक कलगी को हम यहाँ लगाएंगे और एक कलगी को इसके आगे लगाएंगे इस तरीके से, और एक कलगी को इन दोनों के बीच में लगाएंगे। तो इस तरीके से पहले तीनों कलगी को लगा लेते हैं। ये देखिए तीनों कलगियाँ हमारी लग गई। साइड से जरा सा ग्लू लगाकर साइड से भी चिपका देंगे। देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है अभी से। अब इसमें हमें ये फ्लावर्स लगाने हैं, जो फ्लावर हमने इसमें लगाए हैं ये फ्लावर्स हम यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है पगड़ी ये, और जैसी ही इसकी पोशाक है वैसी ही पगड़ी है। देखिए पोशाक भी बहुत सुंदर है, अमेजिंग बिल्कुल, और उसके साथ ये पगड़ी भी इतनी प्यारी है, बहुत ही सुंदर लग रही है ड्रेस। यहाँ हमने एक बूटी लगा दिया है और साथ में एक येलो कलर का फ्लावर लगा दिया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये यहाँ पे मैचिंग के इसके फ्लावर हो गए, दोनों कलगी इसकी मैचिंग की हो गई, बहुत सुंदर लग रही है। आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे सरस की लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है शायद कुछ पार्ट हमारा प्लेन भी रहता है तो वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। देखो अभी अच्छे से चिपका नहीं है ये फ्लावर, ये चिपका देते हैं अच्छे से। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।